मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स टू मैनेज द प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम। एज वी नो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सेज दैट कीप मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी दैट इज रैम, सो दैट व्हेनेवर सीपीयू नीड्स फॉर अ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, जब भी सीपीयू मांगेगा कि मेरे को कोई प्रोसेस दो एग्जीक्यूट करने के लिए, आई विल बी हैविंग अ प्लेंटी नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल इन माय रैम। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस मेरी रैम में तभी होंगे अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई होगी। जैसा कि लाइक मेमोरी हम जानते हैं, मेमोरी इज व्हाट, मेमोरी इज अ लार्ज एरिया ऑफ बाइट्स एंड एवरी बाइट इज हैविंग सम एड्रेस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं। लेट से मेमोरी को हम डिवाइड कर रहे हैं या पार्टीशनिंग में डिवाइड कर देते हैं। अब मेरे जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं, माय मेन मोटिव इज व्हाट, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का मेन मोटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को यू हैव टू कीप इन द रैम, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हमें रेडी स्टेट में रखना है। अगर रेडी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे तो डेफिनेटली मैं उनमें से एक को उठा के रनिंग स्टेट में दे दूंगा। फिर अगर वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है या किसी वजह से वो कह रहा है कि मुझको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर वो जा रहा है, लेट से कि अगर मैं सिंपल सी का कोड लिख रहा हूँ, सिंपल सी के कोड में अगर मैंने वहाँ पे लिख दिया लाइक एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि इफ आई वॉन्ट टू रीड द इनपुट फ्रॉम अ फाइल, लेट से देर इज सम फाइल एक्स वाई जेड, सम एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी फाइल, सम कंटेंट इज रिटन इन दिस फाइल, कुछ भी कंटेंट है, लेट से सम नेम इज रिटन। अब जो भी कंटेंट इस फाइल में लिखा है, लेट से आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट डेटा और प्रिंट दैट वट एवर रिटन इन दिस कंटेंट, उस कंटेंट को मेरे को प्रिंट करवाना है मॉनिटर के ऊपर या लेट से प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो इस कोड में हम क्या लिखेंगे कि इस फाइल को रीड करना है और फिर उसको राइट करना है या प्रिंट करना है उस कंटेंट को मॉनिटर पे। तो नाउ अगर ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, एक एक करके जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो यहां पे हम डेफिनेटली हम यहां पे वी यूज अ सिस्टम कॉल दैट इज रीड सिस्टम कॉल वी यूज। तो रीड सिस्टम कॉल में हम जनरली लिखते हैं कि लाइक कहां से मुझे रीड करना है, तो उस फाइल का नेम वी यूज कि फाइल का नेम साइज दैट इज अ जनरल थिंग कि कहां तक मुझे उस कंटेंट को रीड करना है। तो जब वो फाइल नेम यहां पे मेंशन करते हैं, ये फाइल कहां पे पड़ी है, ये फाइल एक्चुअल में हार्ड डिस्क में पड़ी है। तो यानी एक रनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस वाज रनिंग, वो बीच में क्या बोल रहा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता है, बट एक्चुअल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना का मतलब क्या है कि या वो किसी फाइल को रीड कर रहा है हार्ड डिस्क से, या किसी प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, मॉनिटर को एक्सेस कर रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो सीपीयू बोलेगा ठीक है चला जा उसको एग्जीक्यूट कर। तो जब सीपीयू की रेंज से वो प्रोसेस बाहर हो गया तो सीपीयू तो खाली बैठ जाएगा। तो इसीलिए हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई रखते हैं ताकि जब भी सीपीयू किसी भी सिचुएशन में आइडल होने लगेगा, हम उससे पहले ही रेडी स्टेट में दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को अलॉट कर देंगे। तो इसीलिए जितने ज्यादा प्रोसेसेस मेरे पास रेडी स्टेट में अवेलेबल होंगे, तो यानी उतना ही मेरा बेनिफिट है, उतना ही मैं सीपीयू को ज्यादा यूटिलाइज कर सकता हूं। और ऑब्वियसली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करने के लिए या रेडी स्टेट को भरने के लिए मेरे को रैम को, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, उसको मुझे प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यानी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम बेसिकली ब्रॉडली ये दो टाइप्स की हैं, वन इज अ कॉन्टिग्यूस अनदर इज अ नॉन कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस में फिक्स्ड पार्टीशनिंग आती है एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स्ड पार्टीशनिंग को हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक, एंड दिस इज नॉन एज डायनामिक। मींस हम रैम को बेसिक सा आइडिया दे रहे हैं बिकॉज वी विल टेक वन बाय वन ईच एंड एवरी टेक्निक, बट यहां पे जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक लेट से इन माय हार्ड ड्राइव
lot of, let's say this is my memory blocks. Means in the RAM, this is general concept कि RAM को हमने blocks में या partitioning में divide कर दिया. Let's say अब मेरे पास एक process आया P1 process. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे P1 process को हम पूरा का पूरा किसी particular block में adjust कर देंगे. मतलब पूरे के पूरे process को हम किसी ना किसी block में, memory के block में. ये कौन सी memory है? That is RAM, main memory. और मेन मेमोरी के सारे ब्लॉक्स को, यानी मेन मेमोरी की जितनी फुल कैपेसिटी है, हम पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर सकते. बिकॉज जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम माउंट हो जाता है मेन मेमोरी के अंदर. कुछ कंटेंट, कुछ एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करता है मेन मेमोरी का, बाकी का जितना बचा हुआ पोर्शन है वो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को हम उसमें भरने की कोशिश करेंगे ताकि मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई हो सके. तो कॉन्टिग्यूस, नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्टिग्यूस. कॉन्टिग्यूस मीन्स कॉन्टिन्यूस एलोकेशन. मतलब हम जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस आ रहे हैं, हम उनको कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करेंगे. लेट्स से एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लाइक 4 ब्लॉक्स हैं. लेट्स से B1, B2, B3, B4. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उनको कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन देंगे, कॉन्टिन्यूस एड्रेस प्रोवाइड करेंगे. जैसे अगर लेट्स से यहाँ पे P1 आ रहा है, तो P1 को मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिया. उसके बाद P2 आ रहा है, नेक्स्ट P2 प्रोसेस, तो वी ट्राई टू कीप इन द कॉन्टिन्यूस एड्रेसेस. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉन्टिग्यूस एलोकेशन. और इसमें भी हम दो चीजें यूज करते हैं, फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड डायनामिक पार्टीशनिंग या वेरिएबल पार्टीशनिंग. मतलब हम मेमोरी को या तो हम फिक्स्ड डिवाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर साइज के स्लॉट्स बना सकते हैं, या फिर हम कोई स्लॉट नहीं बनाएंगे. जैसे ही प्रोसेस आएगा, प्रोसेस अगर आ रहा है, प्रोसेस बोल रहा है कि मेरे को 1 MB चाहिए, तो जब वो बोलेगा 1 MB, तो मैं उसको डायनामिकली रन टाइम पे 1 MB रैम में एलोकेट कर दूंगा. तो इसके अपने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर वीडियोस. तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग जो है, बेसिकली अगर मैं इसमें से फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात करूं, तो इट वॉज यूज लॉन्ग बैक. मतलब नियर अबाउट 1960s के टाइम पे यूज करते थे हम मेन फ्रेम्स में, जब मेन फ्रेम्स जो बहुत बड़े सर्वर्स जो थे वहाँ पे हम यूज करते थे. तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, नाउअडेज वी आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स. इस टेक्निक तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन वो टेक्निक का बेस कहाँ से बना है, इन्हीं से. तो यानी उस टाइम पे जो टेक्निक यूज होती थी उसमें क्या प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम फर्दर इवोल्यूशन करते चले गए. तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस तो है ही. ऐसी नॉन कॉन्टिग्यूस, नॉन कॉन्टिग्यूस मीन्स नाम से ही पता लग रहा है कि हम कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं कर रहे, नॉन कॉन्टिन्यूस एलोकेशन कर रहे हैं. इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि अगर एक प्रोसेस है, लेट्स से अ प्रोसेस कैन बी, प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड और प्रोसेस कैन बी पुट इन द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मेमोरी. वी आर नॉट पुटिंग इन द कॉन्टिन्यूस. लेट्स से देयर इज अ प्रोसेस पी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं, प्रोसेस को हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं. लेट्स से इस प्रोसेस की 4 पार्टीशनिंग है. एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की 4 पार्टीशनिंग कर दी, P1, P2, P3, P4. एंड नाउ द मेमोरी ब्लॉक, दिस इज द मेमोरी ब्लॉक इन द रैम. सो एज वी नो कि सम ऑफ द पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ लेट्स से कि वन ऑफ द पार्टीशनिंग इज हैविंग P1. इन द कॉन्टिन्यूस द नेक्स्ट पार्टीशनिंग, लेट्स से कि दिस एड्रेस, द एड्रेस इज लेट्स से 0 to 20, एड्रेस इज टेकन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सो 21 to, लेट्स से दिस इज 40. तो 21 टू 40 एड्रेस इज टेकन बाय द पार्टीशनिंग P1. कॉन्टिग्यूस में क्या होगा, नेक्स्ट पार्टीशनिंग P2, P3, P4. मतलब हम कॉन्टिन्यूस एलोकेट करेंगे उसको, सो दैट जब हम एक प्रोसेस को सर्च करेंगे, जब CPU बोलेगा कि मेरे को उसमें ये इंस्ट्रक्शन को सर्च करना है, तो मेरी सर्चिंग जो है वो कहीं ना कहीं फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोसेस
20th से स्टार्ट होके लेट्स से कि यानी 20th लेट्स गिव सम एड्रेस 60 80 100 120 सो कॉन्टिग्यूज में हम क्या करेंगे P1 पार्टीशनिंग को यहां P2 को P3 को P4 को तो मींस कॉन्टिन्यूसली एलोकेट करेंगे बट नॉन कॉन्टिग्यूज में अगर P1 मेरा यहां पे है तो P2 कैन बी पॉसिबल कि वो किसी दूसरी लोकेशन में हो सकता है सम ऑफ द एड्रेसेस लाइक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड तो लेट्स से कि P3 मेरा यहां पे आ गया P4 मेरा यहां पे दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर प्रोसेस यू कैन से दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आएगा एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस की अलग अलग पार्टीशंस आ सकते हैं और उनका कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं होगा डिसकॉन्टिन्यूस एलोकेशन होगा कहीं भी उनको हम सेपरेटेड कहीं पे भी किसी भी अलग अलग लोकेशंस पे हम उसको डाल सकते हैं दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन कॉन्टिग्यूस तो हम लेट्स से कि P1 को यहां डाल दिया यहां पे किसी और प्रोसेस का पार्टीशन पड़ा यहां पे P3 को डाल दिया P4 को P2 को ऐसी किसी और प्रोसेस की पार्टीशनिंग भी बीच में आ रही है तो दैट इज अ नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन और इसमें जो मेजर हम यूज करते हैं दैट इज पेजिंग मल्टी लेवल पेजिंग इन्वर्टेड पेजिंग सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग सो इनके बारे में हम अब एक एक करके वी विल सी कि व्हाट इज द फिक्स्ड पार्टीशनिंग व्हाट इज द वेरिएबल पार्टीशनिंग सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच